मनचाहा न्यूज़। देश भर में लॉकडाउन की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आयोजन बेहद मुश्किल है और इसके साथ ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य को लेकर भी सवाल गहरे होते जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने क्या कहा है और धोनी को लेकर उनके मन में क्या विचार है। बता दें कि पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि अगर आईपीएल इस साल नहीं हो पाता है तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए टी20 विश्व कप में वापसी करना काफी मुश्किल होगा। जैसा कि गंभीर ने कहा कि उनका चयन किस आधार पर किया जाएगा जबकि वह 1.5 साल से कोई भी क्रिकेट नहीं खेले हैं। अगर आईपीएल नहीं होता है तो धोनी की वापसी की संभावनाएं काफी कम हो जाती हैं। आप भारत की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और भारत को मैच जिता सके वही भारत के लिए सर्वोच्च रहेगा। ऐसे में बता दें कि धोनी ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच 2019 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था और गंभीर के अनुसार टी20 विश्व कप में लोकेश राहुल धोनी के सही विकल्प होंगे। गंभीर ने साथ ही कहा कि धोनी के सबसे सही विकल्प राहुल हो सकते हैं। उन्होंने जब सीमित ओवरों में विकेट कीपिंग संभाली है तो मैंने उनका प्रदर्शन देखा है, एक बल्लेबाज के तौर पर भी और विकेट कीपर के तौर पर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ऋषभ पंत की बात करें तो वह भी एक प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें भी अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वह भी बहुत जल्द टीम इंडिया को एक अच्छा बल्लेबाज देगा। इस बीच बताते चलो कि प्रैक्टिस सेशन रद्द होने से पहले धोनी ने मैदान पर वापसी के लिए जमकर पसीना बहाया था। धोनी के साथ ही प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ियों ने बताया कि उन्होंने माही को कभी इस तरह की मेहनत करते हुए नहीं देखा। बता दें कि टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने साफ कर दिया है कि धोनी की आईपीएल में प्रदर्शन के आधार पर टीम इंडिया में वापसी हो सकती है।